भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में तीसरा और आखिरी वनडे मुकाबला 27 सितंबर को खेला जाना है। हालांकि इस मुकाबले से पहले भारतीय टीम से जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही हैं। दरअसल ओपनिंग बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ और शुभमन गिल तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबले से बाहर हो चुके हैं और हमें एक बार फिर से भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। एक बार फिर से दोनों ही नए ओपनिंग बल्लेबाज खेलते हुए नजर आ सकते हैं। जानेंगे क्या है पूरी खबर, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इसी तरह की और भी अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसा कि हमने आपको बताया, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में तीन वनडे मैचों की सीरीज खेली जा रही है। तीसरा और आखिरी वनडे मुकाबला राजकोट में 27 सितंबर को खेला जाएगा। ये मुकाबला भारतीय समय अनुसार दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। अगर हम भारतीय टीम की बात करें तो भारतीय टीम ने इस सीरीज में अभी तक जबरदस्त प्रदर्शन किया है। पहला वनडे मुकाबला जो कि मोहाली में खेला गया था, भारतीय टीम ने 5 विकेट से जीत लिया था। दूसरा वनडे मुकाबला इंदौर में खेला गया और ये मुकाबला एक हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिला। भारतीय टीम ने इस मुकाबले में डकवर्थ लुईस नियम के तहत 99 रनों से जीत हासिल की थी। भारतीय टीम इस वनडे सीरीज को पहले ही अपने नाम कर चुकी है। अब यहाँ पर भारतीय टीम तीसरा और आखिरी वनडे मुकाबला जीतकर सीरीज में क्लीन स्वीप करना चाहेगी। हालांकि तीसरे वनडे मुकाबले से पहले भारतीय टीम के लिए कुछ बड़ी अपडेट आ रही हैं। आपको बता दें, ओपनिंग बल्लेबाज शुभमन गिल इस समय गजब की फॉर्म में चल रहे हैं। पहले वनडे मुकाबले में जहां उन्होंने अर्धशतक लगाया था, तो दूसरे वनडे मुकाबले में हमें उनके बल्ले से एक बेहतरीन शतक देखने को मिला था। खबरों की माने तो शुभमन गिल तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबले में नहीं खेलेंगे, उन्हें इस मुकाबले से आराम दिया जा सकता है। दूसरी तरफ ओपनिंग बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ भी तीसरे मुकाबले में नहीं खेलेंगे। दरअसल एशियन गेम्स 2023 में पार्टिसिपेट करने के लिए उन्हें चीन रवाना होना है और वो तीसरे मुकाबले में नहीं खेलेंगे। एशियन गेम्स 2023 में ऋतुराज गायकवाड़ भारतीय टीम की कप्तानी करते हुए नजर आने वाले हैं। शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों के बाहर होने के बाद भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी पूरी तरह से बदलने वाली है। रोहित शर्मा जो कि शुरुआती 2 वनडे मुकाबलों में नहीं खेले थे, वो तीसरे मुकाबले में वापसी करेंगे और भारतीय टीम की तरफ से ओपन करेंगे। उनका साथ दे सकते हैं ईशान किशन शुरुआती दोनों ही मुकाबलों में खेले हैं, लेकिन वो मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इस आखिरी मुकाबले में वो रोहित शर्मा के साथ ओपन करते हुए नजर आ सकते हैं। आपको बता दें, तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबले से शार्दुल ठाकुर को भी आराम दिया जा सकता है। तो वहीं टीम में विराट कोहली, हार्दिक पांड्या और कुलदीप यादव जैसे दिग्गज खिलाड़ियों की वापसी होगी। आपके हिसाब से वर्ल्ड कप 2023 में भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी क्या होनी चाहिए? आप अपनी राय नीचे कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।